अरे देखे आइए आका चीज पिया। ये बात तो कौन सो कह रहा, तू नार खोर रखा तू, अब कैसे मान ले भाई। अच्छा हाँ देखे आइए आका चीज पिया। और भैया अरे अब भ्याप करेंगल छोरी को, आइए आका चीज पिया। तेरो नाम गामे और जाए कौन है पिता भ्राते और माँ वो को साची दे बदला पनघट पे क्यों नेर पिला का पूछे गे लहुआ मोसे कहते फाटे छाती मर गए मैया बाप नहीं दुनिया में कोई ओ संगात मैं हूँ बिन मैया को लाल झूठ न बोलो रे अरे के मेरो कर्म दास है नाम कमारो डोलो रे अरे के मेरो कर्म दास है नाम कमारो
बिना बोलू रे, अरे के मेरो कलम दास नाम के मारो डोलू रे। आपस में पतलाट करे या फक्कर के का खावे घर में मूसा परत कर। अरे या के तुम मत करो सगाई प्यारी छोरी रोबेगी या बाबा जी कुकुर जान मारी हासी होबेगी। अरे कर्म दास जो कहे पिताजी व्यर्थ समय को मत खोबे काका बाबा सब दुनिया देखो मतलब का होबे। ओ टीको झिला के पंडित काशी जी में आज ओ मिश्रानी कुबाने सारो हाल तो सुनाए पर मिलिया के जब को सभी वतन का वाके ठाट सामोहन के लाके कर दऊ छोरी की आंचल के जबर मिलिया के सबर करो भगवान चले
तन चोला में अरे एक चंदा छिप जाएगो लुट जाएगो चोबन घोड़ा में करमदास वहां पर पानी पिलाने के लिए लगा रखा था। जय हो।
बेचारा वो काशी का पंडित घबराया हुआ था, तो वो पनघट को देख करके और वो पनघट पर पहुंच गया और महापाणी पी करके अपनी आत्मा को तसल्ली दिला करके और वो लड़के से पूछने लग गया कि बेटा आप ये बताइए, आप कहां के रहने वाले हो और आपका नाम क्या है, इस बियाबान जंगल में आप कैसे पानी पिला रहे हो? ये हो, देखिए श्रोताओ, इतनी बात को सुनकर के और वो लड़का कहने लगा कि सुनिए महाराज, मेरे माँ और बाप दोनों इस स्वर्ग से धार गए और मेरे परिवार वालों ने इकट्ठा होकर के और मेरे को इस पनघट पर पानी पिलाने के लिए लगा। जय हो। और मेरा नाम करमदास। इतनी बात को सुनकर के और वो काशी के पंडित के मन में कैसे कैसे विचार आते कि हे भगवान, अरे कितनी धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का है, अरे होन हो अपनी बेटी का, मैं इसी के साथ में रिश्ता क्यों नहीं करूं। जय हो। देखिए श्रोताओ, वो काशी का पंडित वो पनघट पर पनघट से वो करमदास को अवधपुरी में ले गया और अवधपुरी में ले जाकर के उसके सारे परिवार वालों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके वो कहने लगा कि सुनिए महाराज, मैं आपका इस लड़का का रिश्ता करने के लिए आया हूं। जय हो। देखिए श्रोताओ, इस बात को सुनकर के और वे अवधपुरी के पंडित क्या कहने लगे, नहीं महाराज, ये आप कहते क्या हो, अरे आपकी लड़की भूखी मर जाएगी, ये तो खुद ही एक पनघट पर पानी पिला पिला करके अपना पेट गुजारा करता है, आप इसके रिश्ता मत कीजिए। लेकिन श्रोता, वो काशी का पंडित ने तो ये निश्चय कर लिया था कि मेरी बेटी का रिश्ता करूंगा तो मैं इसी के साथ में करके जाऊं। जय हो। उन्होंने काफी मना की, लेकिन वो काशी का पंडित वो अवधपुरी के करमदास के अपनी बेटी का रिश्ता करके और वापस अपनी काशीपुरी को आ गए। जय हो। और आकर के मिश्राणी को सारा वृत्तांत सुना दिया कि बेटी का रिश्ता मैंने अवधपुरी में कर दिया। देखिए श्रोताओ, मिश्राणी को बहुत बड़ी खुशी हुई और इस बात को वो पंडित की लड़की का नाम करमवती था वो भी सुन लेती है तो उसको भी बहुत बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरा रिश्ता हो गया। वो खुशी खुशी में सो जाती है, श्याम का वक्त था और उसको रात को सपना आता है और वो सपने में क्या देखती है, रे क्या देखती है भैया, कि मेरे फेरे पड़ने के बाद में मेरे पति देव को नाग देवता डर जाएंगे। जय हो। देखिए श्रोताओ, इतने में उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कुछ नहीं, इस बात को वो करमवती ने अपने मन में छिपा कर रखी थी, किसी से नहीं कही। और इधर अवधपुरी से उसकी बारात संजज करके और फेरा खाने के लिए काशी में आ जाती है और उसी अवधपुरी में एक अक्ष की कन्नी बिगड़ने पर वो सर्प योनि में चला गया तो भगवान शंकर की वो भक्ति में लग गया, उसको भक्ति करते करते 12 साल हो गए। जय हो। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गया तो वो कहने लगा कि बेटा जो मांगिए कुछ मांगना हो, कि महाराज मुझे इस सर्प योनि में पड़े रहते 12 साल हो गई, मेरे को मनुष्य देह कब मिले। जय हो। कि जा बेटा, चिंता न करे, ये अवधपुरी का करमदास फेरा खाने के लिए गया है काशी में और जैसे ही वो फेरा खा करके आता है और आप उसको डस लेना, आपको मनुष्य दे मिल जाएगी। जय हो। तो देखिए श्रोताओ, वो नाग देवता करमदास के महलों में जाकर के बैठ जाता और इधर वो करमदास काशी से फेरा खा करके और जैसे ही अपनी दुल्हन को लेकर के अवधपुरी में पहुंचता है, उसी रात एक भिखारिन के महा बाल बच्चा हुआ था। देखिए श्रोता, उसके घर में घी दूध तो बहुत दूर की बात थी, उसके घर में अन्न तक भी खाने को नहीं था। जय हो। तो वो अपने पति देव भिखारी से कहती है कि महाराज मेरे लिए कहीं से मांग करके लाइए, क्योंकि मेरे को बहुत जोर से भूख सता रही। तो वो भिखारी मना कर देता है कि भिखारिन इस आधी रात का वक्त और मेरे को कौन भीख देगा, मैं नहीं जा सकता। तो देखिए श्रोता, वो रो रो करके अपने पति देव को भीख लेने के लिए कैसे भेजती है
और कैसे उसको भीख मिलती है, और इधर वो करम दास को वो सरब कैसे दस्ताई आ गए आप कीर्तन के माध्यम से सुने, बता रहे भैया। भैया बेकारण कह रही है भिखारी से रामराज। अच्छा अच्छा अरे प्यारे मेरी जान रे बचा ले, ओरे भूखन से निकला आजा पे प्यार दिया मेरी जान बचा ले, दुला जान बचा ले भूखन से धक्का तेरे भगायो मेरी स्वागी रात है आज तो।
संतुष्ट तू कैसे घर पे आयो, चल दिया भिखारी बाईने घर, इत देखे कर माखनी कर, छाती फटी रही सतवंती नहीं है निर्धन को कोई निर्धन, बलमा से निगाह चुकाए भिखारी चालो तेरे बुला रहे पगी धरी धोबड़ी गोणा पामे से पुड़ी खिता रहे, अरे मन में खुशी अपार भिखारी नाली के ढेंगे आयो भोजन खायो घरवा जीवन चर चोवे लगान आशीर पाद भिखार दियो पेट भर को पूरो अरे के रोटी देवाली ते अमर रेवे को छोड़ो ज्वाली में बेदर्दी चूड़ो फड़वायो
के भरती हो जवानी में बेदर्दी चूड़ो फड़वायो। अमर तेरो चूड़ो रे जागो रे अमर तेरो चूड़ो रे जागो तेरे भूखी आत्मा को दान दियो बा निष्फल नहीं जाएगो कैसे मिले अमृत जल बरसायो करमदास जीवत करवायो राजी हो गई कलमा बाई सबको तीनों फेम मिटाए ठाडो करमा को घर वालो सबको देख राम रखवालो किसने पायो पार प्रभु को लीला अपरंपार और चरणन में गिर करयो नाथ की बोलो जय जयकार बच गो पद वरता को धर्म पहुंच गई मेलन में अरे के घर भार निकाली होती इच्छा पटेलन ने मेरो संकट दूर कर जब दया प्रभु को आई पग नाग दे छुड़वाई मिल गयो मनुष्य को रूप तमाशो देखे लोग लुकाई कुछ मन वर्षा हो रही भारी शिव की जय बोलो नर नार अरे कथा करो अब बंद नाथ शिव हो गए अंतर ध्यान और दान कभी निष्फल नहीं जावे कह गए वेद पुराण सबसे बड़ो धर्म दुनिया में यही हो बतायो है अरे कीर्तन भरियो सभा में मोड़।